वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की आपके 2022 की डेस वर्क। आप सब बच्चे कमेंट कर रहे थे कि डेस वर्क आ चुकी है क्या 2022 के लिए, तो हम आपको बता देते हैं कि आपके प्रिंट हो चुकी है डेस वर्क, पर अभी तक मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं करी गई है। तो आपकी मार्केट के अंदर डेस वर्क कितनी तारीख तक आ जाएगी, तो हम आपको बता देते हैं कि मार्केट में आपके जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको डेस वर्क मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप मार्केट से जाकर परचेस कर सकते हैं डेस वर्क जनवरी में, आप फर्स्ट वीक के अंदर जनवरी के अंदर आपकी डेस वर्क आ जाएगी, क्योंकि प्रिंट हो चुकी है, बस मार्केट में अभी तक उतरी नहीं है। और हम आपको टॉप कंपनी बता देते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपकी जो कंपनी रहती है वो संजीव की डेस वर्क सबसे ज़्यादा बच्चे खरीदते हैं, तो संजीव की सबसे ज़्यादा बिकती है। और सेकेंड जिसका हमने अभी यहाँ पर पोस्टर लगा रखा है वो है आपकी एक्सीलेंट की डेस वर्क, तो एक्सीलेंट की डेस वर्क भी आपके सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है। दोनों कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है, तो इन दोनों में से आप कौन सी भी कंपनी की डेस वर्क खरीद सकते हैं। और अगर आप इसमें कन्फ्यूज़न है कि कौन सी डेस वर्क हमें खरीदनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपको बेस्ट कंपनी बता देंगे। दोनों टाइप की डेस वर्क हम देख लेंगे, संजीव की भी एक्सीलेंट की भी, और दोनों के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बता देंगे कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए, तो आप उनमें से फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी डेस वर्क खरीदनी चाहिए। तो आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम इस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। और डेस वर्क से हम तैयारी कैसे करें, अगर आपको इस पर भी जानना है कि डेस वर्क को हमें कैसे सही से यूटिलाइज़ करना चाहिए, कैसे इसका सही से हम प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको बेस्ट ट्रिक बता देंगे डेस वर्क यूज़ करने के लिए कि आप डेस वर्क का किस तरीके से सही उपयोग कर सकते हैं। और आपको एक और चीज़ बताते हैं कि आपके जो डेस वर्क के साथ चार सेल्फ असाइनमेंट जो इवोल्यूशन टेस्ट पेपर होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, जो एज इट इज़ बोर्ड के पेपर की तरह डेस वर्क में ही मिलते हैं। ये एक्सीलेंट की डेस वर्क का प्लस पॉइंट होगा, और ये सब प्लस और माइनस पॉइंट हम आपको उस वीडियो में बता देंगे जब आप कहेंगे कमेंट के अंदर कि सर इस पर वीडियो बना दें कि क्लास 12th इंग्लिश के लिए हम कौन सी डेस वर्क खरीदें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ही कंपनी की सारी डेस वर्क बेस्ट हो, कुछ सब्जेक्ट की कौन सी डेस वर्क बेस्ट होगी और कुछ सब्जेक्ट की दूसरी डेस वर्क भी बेस्ट हो सकती है। तो आप हमें कमेंट कर दें अपने सब्जेक्ट्स कि ये मेरे सब्जेक्ट हैं, इनके लिए कौन सी बेस्ट आपके डेस वर्क रहेगी, तो हम आपके मार्केट से एक बार उन दोनों डेस वर्कों को देख के, और दूसरी और अलग कंपनी की रहेगी तो वो भी डेस वर्क हम देख के आपको उनके प्लस और माइनस पॉइंट आपको बता देंगे। तो जो सबसे बेस्ट डेस वर्क रहेगी हम आपके लिए सजेस्ट कर देंगे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी डेस वर्क खरीदनी चाहिए, इस पर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट कर दें। और अगर आपको इससे और रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है आपके, तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप इनकी रेट भी जानना चाहेंगे तो अभी हम बताते हैं कि 75 रुपीज़ की एक डेस वर्क मिल रही है, और अब आपके एरिया में कितने की मिलती है वो आपके एरिया पर डिपेंड करता है, आप अपने बुक स्टोर पर जाके पूछ पाएंगे। आपको जनवरी में जाना है, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आपको डेस वर्क मार्केट में मिल जाएगी, और कहीं कहीं मार्केट में अभी भी मिलना शुरू हो गई होगी, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक शुरू हो चुका होगा, तो आप एक बार कन्फर्म कर सकते हैं मार्केट से उसकी रेट। बाकी ये जो डेस वर्क है वो 75 रुपीज़ की है, इस पर आपको MRP देखने को मिलेगी 150 रुपये की, और 50% आपको लेस में मिलती है 75 रुपीज़ की, और कहीं कहीं आपको 72 रुपीज़ की भी ये देखने को मिल सकती है। और सबके अपने अपने एरिया के हिसाब से आपको इसकी रेट अलग अलग थोड़ी देखने को मिलेगी, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको डेस वर्क खरीदनी चाहिए बिल्कुल, ये आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। और कैसे आपको डेस वर्क से पढ़ना है इस पर भी हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करेंगे तो, और कौन सी डेस वर्क लेनी है इस पर भी हम आपके वीडियो बना देंगे। बस आप अपने सब्जेक्ट्स भी कमेंट में कर देना कि ये मेरे सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन पर आप बता दें कि इनके लिए सबसे बेस्ट डेस वर्क कौन सी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें,